तो गाइस इंडिया में वापस से आने वाला है पबजी, जिसकी मोदी जी बनाकर खा गए थे सब्जी। ये पबजी वाह है, वाह क्या सीन है, वाह मोदी जी वाह वाह। तो कैसे हैं आप लोग? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? अलविदा पबजी। अबे तुम पर म्यूजिक टाटा गुड बाय गया। रुको जरा सबर करो। तो पबजी भी कहाँ शांत बैठने वाला था। पबजी ने भी अपनी प्लास्टिक सर्जरी पूरी करवा ली, नया नाम भी रख लिया, नामकरण भी करवा लिया पंडित जी से, और इस बार उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पबजी। आपने चलाई होगी माइक्रोसॉफ्ट की विंडो, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस जो है वह चलाया हुआ, लेकिन अब आप खेलोगे माइक्रोसॉफ्ट का पबजी। और इस बात को सुनकर इंडिया में सबसे ज्यादा जो खुश प्राणी है ना, वह है मॉर्टल, डायनामो और स्काउट, क्योंकि उनका धंधा एक बार वापस से तेजी पकड़ने वाला है। मॉर्टल एंड डायनामो बी लाइक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन पबजी वापस से खेलने से पहले मेरे मन में आया एक बार फ्री फायर की भी वीडियो बनाई जाए, और मेरे मन में ये आइडिया तब आया जब मैंने यूट्यूब पर देखी ये वाली वीडियो। एडिटर कौन सी वीडियो चला दी है तूने? सही वीडियो चला? हाँ, तो मैंने देखी दिवाली की फ्री फायर वाली वीडियो। इस गाने को सुनने के बाद मेरे मन में एक ही चीज आई, ऋत्विज ओपी। तो गाइस आज हम लोग जिंदगी में फर्स्ट टाइम खेलने वाले हैं फ्री फायर, और मुझे फ्री फायर का ऐप भी नहीं पता। हाँ, लेकिन मैंने पबजी बहुत खेला हुआ है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे मोबाइल ने मुझसे ये बात कही, अरे बस कर भाई, ओ पागल लड़के पीछा छोड़ दे। तो देखते हैं क्या एक क्राउन का प्लेयर फ्री फायर में तबाही मचा सकता है या नहीं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फ्री फायर की लॉबी में, और बंदे यहाँ से वहाँ भागने में लगे हुए हैं। जैसे ही मैंने बोला है मैं पबजी वाला हूँ, आइला ये तो पबजी वाला है, पबजी वाला है, पबजी वाला, पबजी वाला। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या ही थीम दिया गया हुआ है, पूरा दिवाली वाली फीलिंग आ रही है, पूरा अनार मनार चलने में लगे हुए है। तो अभी ये देखो एक टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है जिसपे एक बंदा दिख रहा है ग्रीन कपड़े पहने, पता नहीं लास्ट सीजन का कुछ होगा, रैंक वैंक बनी होगी अच्छी खासी। और अभी मेरे दिमाग में एक ही चल रहा है कि मैं पीक पे कूद जाता हूँ, क्योंकि पी से होता है पोचिंग की, तो इसमें अभी पीक का मतलब ऐसी कुछ होगा कोई जहाँ पे बहुत बंदे आते होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कूद चुका हूँ। I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. तो गाइस अभी हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पीक के पास। मैंने सोचा था पोचिंग की तरह होगा कुछ इलाका, लेकिन यहाँ पे तो दो ही घर है, मेरा तो कट गया। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कौन सी गन उठानी चाहिए कौन सी नहीं उठानी चाहिए, और अभी मुझे आ रहे हैं किसी के फुट स्टेपों की आवाज। तो देखते हैं कहाँ से आ रही है, राइट से लग रहा है वैसे। हाँ यहाँ पे रहा बॉट भैया आ रहे हैं, मुझे बॉट के ही लक्षण लग रहे हैं इन्हें देख के, क्योंकि अगर रियल पे रहता तो मारने की कोशिश तो करता, या फिर इसके पास गन नहीं है, पता नहीं क्या हुआ इसे। सीधा भागते भागते अंदर ही घुस गया, VSS ले रखी है, लक्षण से ऐसी लग रहा है वह गन है VSS जो लक्षण लटका रखी है, क्योंकि VSS सेम टू सेम ऐसी दिखती है पबजी वाली। और अब ये बंदा उसको कुछ मतलब ही नहीं है, बॉट ही लग रहा है, बॉट ही ऐसी हरकतें करते। तो भाई गोली तो चला कम से कम, ये नहीं सिखाया फ्री फायर वालों ने, फ्री फायर की वो ला दी है ना, या फिर कहीं और से आई है। तो ये देखो उसे पता ही नहीं है कैसे गोली चलाते हैं, यहाँ से अभी कोई गोली चलाने में लगा हुआ है, राइट से आवाज आई, और ये देखो एक बंदा यहाँ से खड़ा हुआ है, निपटाते हैं इसे शांति से। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं खेल रहा हूँ यह गेम एम्यूलेटर पे। अब मैं एम्यूलेटर पे क्यों खेल रहा हूँ, तो आप अगर नूब लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं नूब ही हूँ।
अब देखो मैं एमुलेटर पे इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैंने स्मार्टफोन में कोशिश की इसे रिकॉर्ड करने की, अच्छा खासा रिकॉर्ड भी हुआ एक गेम प्ले, लेकिन फिर देखा उसमें आवाज़ ही नहीं है। तो मेरे पास कुछ ऐसा हाई एंड डिवाइस है नहीं जिसमें मैं साथ में ऑडियो एक्सटर्नल वाला और इंटरनल वाला रिकॉर्ड कर सकूं, इसलिए मुझे खेलना पड़ा एमुलेटर पे। तो अगर आप नूब लिखना चाहते हैं तो आराम से बेझिझक होकर कमेंट में नूब लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर घर के उस साइड मुझे लग रहा है कोई पटाखे चलाने में लगा हुआ है, इसमें गन्स की आवाज़ कुछ अलग ही है, सभी गन्स की आवाज़ सेम ही लगती है भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कार 98 चल रही है, AWM चल रही है, M416, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या ही चल रहा है यहाँ पे। तो देखो अभी मैं कोई भी गन लेके घुस चुका हूँ यहाँ पे, और ये देखो नब्बा निब्बी यहाँ पे लगे पड़े हैं, पता नहीं असली काम करने में लगे हुए होंगे, नब्बा निब्बी लग रहे हैं मुझे। और ये बंदा देखो कुछ गोली मोली चला ही नहीं रहा मुझे, मेरे ऊपर उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जितना मारना है पेलते जाओ मुझे मेरे ऊपर, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं बिल्कुल जलेबी की तरह जाऊँ, मैं किसी को नहीं मारता, मैं हिंसा पे बिलीव नहीं करता, ऐसी खड़ा हुआ तो वह बंदा। और अभी मैं इन लोगों को लूटता हूँ क्योंकि इसमें गन्स में जो एमओ है ना बहुत ज़्यादा लगता है किसी बंदे को मारने में। पबजी में क्या होता है एक दो गोली मार दूँ एक हेडशॉट लग जाए ना बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है, ऐसी वैलोरेंट में एक हेडशॉट बंदा ख़त्म, और यहाँ पे पूरा 30 से 40 गोलियाँ भी मार दूँ ना तो भी बंदा यहाँ पर डाउन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या ही लॉजिक लगा रखा है यहाँ पे। और मैं अभी इस रोप को इसलिए निहार रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा था कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में जैसे कि हम रोप पे स्लाइड कर सकते हैं, इस पे पता नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। और अभी ये बंदा खुले में पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे लग रहा है खुले में खेत में बैठ के अपना काम कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही गोलियाँ चलाई तो लोटा उठा के भागने लगा, तो मैंने उसे करने नहीं दी जो भी है कांड करने लगा हुआ था, क्योंकि जहाँ सोच वहाँ शौचालय। और अभी यहाँ से राइट साइड से कुछ बंदों की और आवाज़ें आ रही हैं पटाखे चलानों की, तो मैंने सोचा इन्हें भी निपटाया जाए। अरे भाई लग जाए, मैं सोच रहा हूँ इस गन से मारा जाए, ये देखो इसमें स्कोप ही नहीं है भाई, इस गन में स्कोप ही नहीं है, मैं राइट पूरा क्लिक कर रहा हूँ लेकिन स्कोप ही नहीं खुल रहा इस गन का। अरे भाई कितना लेगा मरने में, मेरे पास यहाँ कुछ दुकान खोल के नहीं रखी हो गोलियों की, मेरी चाचा बिधाएंगे कि उनकी गोलियों की दुकान है। और अभी हम लोग इस बंदे को जल्दी से जल्द लूटने के लिए चलते हैं, और अभी हम लोग पहुँच चुके हो यहाँ पे, एक और बंदा और उसे निहारने में लगा हुआ है, सबके सब निहार ही क्यों रहे मारे को। ये देखो अभी इसको भी हम लोग लूटते हैं, अभी मुझे ये भी नहीं पता कौन सी गन इसमें अच्छी है कौन सी घटिया है, मैं बस जो हाथ में मिल रहा है ना उसे मैं चलाने में लगाऊंगा, उससे बंदा मरे या ना मरे या फिर बंदा कुछ भी करे, मैं बस चलाने में मजा आ रहा है मुझे, बस गन दो और पेल लो बंदों को, बस यही मेरा भी मकसद है। और मैं एक और चीज़ और बता दूं यहाँ पर, ये वीडियो है सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, तो आप ये कंपेयर मत कीजिएगा कि पबजी अच्छा है या फ्री फायर, देखो गेम दोनों ही अच्छे हैं, जिसको जैसे मज़ा आता है वह खेले, अपन को क्या, अपन को तो बस पानी निकालने का है। और अभी यहाँ पहाड़ के ऊपर फिर से पटाखे चलना शुरू हो गए, अब देखो इसमें पता ही नहीं चलता कौन सी गन चल रही है, अरे पता भी चल रहा है तो मुझे काहे को पता चलेगा कि कौन सी गन यहाँ पे कौन चला रहा है, मुझे पता ही नहीं है किस गन का साउंड कैसा है तो पता कहाँ से चलेगा। और ये देखो बंदा यहाँ खुले में फिर से हंगने लगा हुआ था, तो मैंने कहा इसे मारा जाए थोड़ा, और ये सबके सब खुले में काहे को घूम रहा है, मुझे लग रहा है ये सबके सब बॉट ही है। और ये पीछे से कौन मारने में लगा हुआ, इसे बड़ी जल्दी है लॉबी में जाने की, तो अभी हम लोग इसे निपटा चुके हैं। और मेरी यह आदत बहुत ख़राब है, मैं जैसे ही किसी बंदे को मारता हूँ ना 3 दबा देता हूँ, यह आदत मुझे कैसे लगी, सिर्फ वैलोरेंट खेलने की वजह से, मैं जब से पबजी बैन हुआ है ना मैं वैलोरेंट खेलने में लगा हुआ हूँ, तो उसी की आदत लग चुकी है मुझे कि जैसे ही स्नाइपर का शॉट मारो बस 3 दबा दो, जिससे स्पीड से भाग सकते हैं ना उसमें नाइफ लेके, इसलिए उसकी आदत लगी हुई है मुझे। और भी मेरे पास एमओ की बहुत कमी है, मेरे पास बिल्कुल भी एमओ नहीं है, इसमें 30 बुलेट हैं और एक गन है उसमें 30 बुलेट और हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हेडशॉट मारूं और इन बंदों को लूटूं। तो अभी मैं इस बंदे को लूटता हूं, ये जो बंदा पता नहीं, अब ये नहीं पता कौन सी गन कैमो किस में लगता है मुझे, मैं सिर्फ जो ऑटोमेटिक पिकअप कर रहा है मैं वही करने में लगा हुआ हूँ, जिस गन कैमो मिल जाता है और जिसका ज़्यादा मिलता है मैं वही करने में लगा हुआ हूँ। और ये बंदा देखो कहाँ ही घूम रहा है, सब रे सबके सब खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, यहाँ पे क्या कुछ स्कीम निकाली है सरकार ने कि खुल्लम खुल्ला घूमो तो पैसा वैसा मिलेगा। और ये बंदे की देखो गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया और ये भागने में लगा हुआ है, लच्छन तो ऐसे लग रहा है उसे कुछ मतलब ही नहीं है, उस पर गोली चलती रहे, मुझे लग रहा है उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया कि बेबी आई एम होम अलोन, तो यह बंदा ऐसे ही भागा जैसे कि इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। और ये देखो बीच में ही रास्ते में निकल लिया। और अभी मैं कितने किल हो चुका हूँ भाई साहब, 10 किल कर भी लिए मैंने,
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे ऊपर कि मैं 10 किल कर चुका हूँ। और अगर पबजी होता ना तो बांधे हो जाते 10 किल करने में। ऐसी वैलोरेंट में औकात दिख जाती है जब कोई बंदा आ जाता है गोल्ड लेवल का, पता ही नहीं चलता है कहाँ से पिल के चला गया। उसमें ऐसी मुझे लग रहा है लो लेवल वाले प्लेयर हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आराम से मार सक रहा हूँ। वरना अगर असली लेवल के प्लेयर आ जाए जैसे कि टोटल गेमिंग भाई आ जाए तो मैं एक टच भी नहीं कर पाऊंगा, वह पिल के भी चले जाएंगे मुझे। तो अभी मैंने इस बंदे को भी निपटा दिया, ऐसे मैंने लूट भी लिया। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ ड्रॉप की तरफ। ये ड्रॉप ही है जैसे कि पबजी में ड्रॉप होती है, यहाँ पर ये लाइट छोड़ती है, वहाँ धुआं छोड़ती है। और एक खुल्लम खुल्ला ड्रॉप लूट के भाग रहे थे तो मैं भी निपटा दिया। लॉबी में भेजो, दूसरा गेम खेलो भाई, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो गाइस अभी मैं गया था ड्रॉप लूटने के लिए, लेकिन ड्रॉप में मुझे कुछ अच्छा सा सामान मिला नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक बंदा फिर से खुले में पता नहीं क्या ही कर रहा है। खुले में क्या मिल रहा है इन बंदों को? हमेशा कवर में खेला करो भाई, ऐसे खुले नहीं घूमते। खुले में घूमोगे तो कोई भी मार के चला जाएगा जैसे मैंने मार दिया। और अभी इस बंदे को मस्त सा लूटते हैं, मुझे लग रहा है इसके पास अच्छी खासी लूट होगी। क्या क्या है पता नहीं, VSS है, P90 है, अब पता नहीं कौन सी गन इसमें अच्छी है। VSS तो मुझे पता है वो पुच पुच करके चलती रहती है, गन का साउंड नहीं आता। तो पीछे से कौन लगा हुआ है? पीछे से वार मत किया करो, पीछे से जो बार करता है दिमाग खराब होता है। अभी देखो तुम्हारी मौत का सौदा मैंने भेज दिया है, यमराज आते ही होंगे, वो देखो ले गए ना तुम्हें उठा के यमराज भाई साहब। और अभी यहाँ पे फिर से घर के उस साइड से आवाज़ आ रही है किसी की गोलाबारी चलाने की, तो उसे भी मारने के लिए चलते हैं, उसे भी लॉबी पहुँचाते हैं। और वहाँ से ये देखो कहाँ चला रहा है बंदा भाई साहब, वो देखो पेड़ के पीछे क्या कर रहा है, पेड़ के पीछे ऐसे काम नहीं किया करते। तो गाइस अभी मैं इस बंदे को भी अच्छे से लूट चुका हूँ, और सामने से मुझे एक और बंदा खुले में भागते हुए दिख रहा है। तो खुले में बंदा भागते हुए ऐसा लगता है जैसे कि रोड पर पड़ा हुआ 2000 का नोट। तो अभी हम इसे भी लॉबी में पहुंचाते हैं शांति से। और अभी मेरे हो चुके हैं, ओ भाई साहब इतने किल तो मैंने पबजी में नहीं किए आज तक जितने मैं इसमें कर चुका हूं पहले ही गेम में। 17 किल, अनपॉसिबल है, अनपॉसिबल। तो गाइस अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा मज़ेदार कंटेंट। अब देखो मैं सारे गेम खेलता हूँ, मैं सिर्फ ऐसा नहीं चाहता कि मैं एक ही गेम की वजह से अपना चैनल ग्रो करूँ, मुझे सारे गेम खेलना पसंद है। मैं वैलोरेंट भी खेलता हूँ, पबजी भी खेलता हूँ, और मेरा मन है एक बार अनचार्टेड 4 खेलने का, लेकिन मेरे पास PS4 नहीं है रे बाबा, उसके लिए PS4 लगता है। और मुझे सारे गेम खेलने का मन है, जैसे कि बीस्ट बॉय सब हुए वो मेरी इंस्पिरेशन है। क्या ही वो है, सारे गेम खेलते हैं चाहे उनके चैनल पे व्यूज आए या ना आए। और अगर आपने अभी तक मेरी GTA 5 की जो मैंने नई स्टोरी क्रिएट की है उसको देखा नहीं है तो पहले देख के आओ। और अभी यहाँ पे जोन बाबा आ चुके हैं, मुझे जल्द से जल्द जोन की तरफ भागना पड़ेगा। अभी मुझे पता नहीं था कि इसका जोन ऐसा आता है, तो अभी मैं जोन में जाके पूरा हेल्थ मेल किट लगा के तैयार हो चुका हूँ। और खुल्लम खुल्ला एक और मुझे बंदा भागते हुए देखा तो मैंने कहा क्यों ना मारा जाए, ज़रूर मारा जाएगा भाई साहब तुम्हें अभी। और अभी यहाँ पे बचे हुए 4 प्लेयर अलाइव, मुझे छोड़ के बचे हुए 3 प्लेयर, अब बचे हुए हैं 2 बंदे और मैं पटाने, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा इसका चिकन डिनर। इसके चिकन डिनर को पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं। और अभी जल्द से जल्द इसे उठाते हैं, इसकी लूट मूट से जो भी मिलता है सामान वामान ऑटोमेटिक जो भी पिकअप कर लेगा। और देखो खुल्लम खुल्ला फिर से भागे ना लोग, मुझे लग रहा है सबके सब बॉट हैं, खेलना ही नहीं आता इन लोगों को, पता नहीं कैसे खेलते हैं ये लोग गेम। और मेरा आउट ऑफ एमओ हो गया भाई, एमओ ही नहीं है मेरे पास, दूसरी गन निकालता हूँ उसे पेलता हूँ। अभी एक ही बंदा बचा हुआ और मुझे मिल जाएगा इसका चिकन डिनर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक गेम प्ले थोड़ा सा मजा आया होगा। अगर आपको इस गेम प्ले में कुछ अच्छा लगा ना तो अभी 2 लाइक कर दीजिए, अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो 2 डिसलाइक कर सकते हैं। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।